जैसा कि टाइटल है, इसमें दो नए लड़के हैं हीरोज़, दो हीरोइंस हैं। और मेरे हिसाब से जिस टॉपिक पे ये सब्जेक्ट है, ये पहली बार टॉपिक किसी ने छेड़ा होगा आज तक फिल्म इंडस्ट्री में। दिस इज़ अबाउट कार्स, गाड़ियाँ जो अब्रॉड से आती हैं, कंटेनर्स में आती हैं, और कैसे कंटेनर्स के कंटेनर्स गायब हो जाते हैं, गाड़ियाँ गायब हो जाती हैं, और क्या वो एक माफिया है जो गाड़ियों के नंबर प्लेट चेंज करता है, इंजन चेसी नंबर चेंज करता है, और फिर उन्हीं गाड़ियों को तोड़ फोड़ के मार्केट में बेचते हैं। ये पूरी कहानी उसकी है। और जो ये अच्छा काम कर रहा है, गाड़ियों को तोड़ फोड़ करने का काम, वो मैं कर रहा हूँ। The title is धांसू हीरोज़। धांसू हीरो क्योंकि अगर मैंने खाली ये कहा होता कि हीरोज़ हैं तो बहुत ही मिजाकर हो जाता कि ठीक है भाई हीरो है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब आप कहते हैं कि धांसू हीरो, तो इट गोज़ वन स्टेप अहेड ऑफ हीरोइज्म। मतलब हीरो तो है लेकिन धांसू है, मतलब हीरोगिरी से एक कदम और आगे है। यू सी, तो बहुत सोचने समझने के बाद, और ये जो धांसूगिरी कर रहे हैं हीरो, तो वो धांसूगिरी की वजह से फिल्म का टाइटल रखा। पहले सोचे धांसूगिरी करने के लिए, बट देन धांसू हीरो साउंडेड वेरी गुड एंड वेरी म्यूजिकल ऑल्सो, तो हमने इसका टाइटल धांसू हीरोज़ रखा। Model. I've done a lot of ramp shows, lot of print shoots, videos, commercial ads, and this is my debut film. And as you know, Kawal ji is directing this film, so I'm really excited. And the title is really very nice. This film title is Dhaasu Heroes, so I'm really excited about this film. My character is like I'll be doing lot of stuff like romance and action and काफ़ी कुछ मैं इसमें करती हुई नज़र आऊँगी, जो एक बार फिल्म आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा। Right now I can't disclose anything about the film. शक्ति जो है वो मेरी फिल्म की दो चीज़ें, एक तो शक्ति कपूर मेरी फिल्म के शगुन, मेरी जितनी भी फिल्में बनती हैं उसमें शक्ति कपूर हमेशा होते हैं, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, अजीज हैं। और इस फिल्म में मेन विलन का रोल जो है वो शक्ति कपूर कर रहे हैं। जो सारा नेक्सस जो कुछ भी हो रहा है वो सब उनके इशारे पे, सारा तामझाम जो है वो उन्हीं की वजह से हो रहा है। तो उनकी वजह से जो ये सब कुछ चल रहा है, तो ही इज़ द बेसिक बॉस, ही इज़ द मेन विलन ऑफ द फिल्म। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। The film revolves around a nexus, एक ऐसा nexus है जो इसके पहले कभी फिल्मों में यकीन नहीं आया। मैंने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, बहुत सारी फिल्में देखी हैं, लेकिन इस तरह का nexus जो है, जो इस फिल्म में क्राइम हम दिखाने जा रहे हैं मसाले के साथ, वैसा nexus इसके पहले कभी नहीं आया। तो पूरी फिल्म जो है, जैसा टाइटल बताता है, इट्स अ धांसू हीरो, इट्स अ मसाला फिल्म विथ ऑल द मसालास। देयर इज़ कॉमेडी, देयर इज़ म्यूज़िक, देर इज़ इमोशन, देर आर एवरीथिंग। इट्स लाइक अ कम्प्लीट पैकेज, जैसे मेरी फिल्में होती हैं एक कम्प्लीट पैकेज होती हैं। इट्स दैट काइंड ऑफ अ पैकेज मसाला फिल्म। अच्छा गई है, सुबह दुबई गई है उसकी प्रमोशन के लिए, एंड आई थिंक दिस शुड बी वन ऑफ द बिगेस्ट क्लासिक्स ऑफ द ईयर, शेक्सपियर का हैमलेट। एंड आई फील द परफॉर्मेंस ऑफ शाहिद कपूर इज़ गोना बी अमेजिंग। मेरे हिसाब से शाहिद की बेस्ट फिल्म होगी, एंड ही इज़ गोना बी ऑन अ वेरी डिफरेंट लेवल आफ्टर दिस फिल्म। फॉर मोर न्यूज एंड गॉसिप, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बॉलीवुड हेल्पलाइन।